नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पीसीज। पीसीज का मतलब यहां पर पर्सनल कंप्यूटर से है। साइज के बेस पर हमने चार कैटेगरीज को समझा था कंप्यूटर की। पहली कैटेगरी थी माइक्रो, दूसरी मिनी, फिर मेनफ्रेम और फिर सुपर। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो कंप्यूटर हम यूज करते हैं अपने जनरल पर्पजेस के लिए, अपने सामान्य उद्देश्यों के लिए, ऑफिस में या स्कूल कॉलेजेस में या घर में जो हम सिस्टम यूज करते हैं, साइज के बेस पे उसी सिस्टम को माइक्रो कंप्यूटर बोला जाता है। अगर हम पर्पस की बात करें तो हमारे कंप्यूटर्स को जनरल पर्पस कैटेगरी में रखा जाएगा, और अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, अनुप्रयोग की बात करें, तो हमारे कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर की कैटेगरी में रखा जाएगा। यानी कि हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं उन्हें डिजिटल कंप्यूटर भी कहा जा सकता है, जनरल पर्पस कंप्यूटर भी कहा जा सकता है, और साथ में उन कंप्यूटर्स को माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जा सकता है। और क्योंकि ये हम लोग यूजुअली अपने पर्सनल यूजेस के लिए लेते हैं, इसलिए इन्हें पीसीज के नाम से यानी पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। अब इस टॉपिक में हमें पीसी के टाइप्स के बारे में समझना है, तो बहुत सिंपल टॉपिक है। पीसी के टाइप में सबसे पहला टॉपिक है, पहला जो टाइप है वो है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। नाम से ही आप समझ जाएं, डेस्क टॉप, यानी यूजुअली जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं डेस्क पे रख करके, जो कंप्यूटर हम यूज करते हैं वो उस तरह के कंप्यूटर्स को डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जा सकता है। स्वाभाविक है ऐसे कंप्यूटर्स को हम अपने हाथ में रख के यूज नहीं करेंगे, डेस्क पे रख के यूज करेंगे, इसलिए हो सकता है कि इनका नाम इसलिए डेस्कटॉप कंप्यूटर पड़ा हो। तो जो पीसी हम लोग यूजुअली लैब वगैरह में यूज करते हैं ऐसे कंप्यूटर्स को डेस्कटॉप कंप्यूटर में कहा जाता है। अभी अगर हम इनके तीनों टाइप्स की बात करें, यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप और पाम टॉप, तो इन तीनों में से ही ज्यादा साइज डेस्कटॉप का ही है। यही बात नीचे बताई गई है कि पर्सनल कंप्यूटर में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला स्वरूप डेस्कटॉप कंप्यूटर है। जैसा कि डेस्कटॉप नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा कंप्यूटर जिसे टेबल यानी कि डेस्क पर रखकर कार्य किए जा सके। इसमें एक सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड तथा माउस होते हैं वगैरह। और इसी की दूसरी कैटेगरी की हम बात करें, यह विजुअल में आपको दिखाया है स्टैंडर्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर। इसके बाद दूसरी कैटेगरी है नोटबुक या लैपटॉप कंप्यूटर। तो लैपटॉप कंप्यूटर का साइज डेस्कटॉप की तुलना में छोटा होता है और वो इजीली ट्रांसफरेबल होता है। यानी मतलब अगर ऐसी कोई आवश्यकता हो कि आपको सिस्टम को लेकर के मूव करने की जरूरत हो एक जगह से दूसरी जगह, तो उस स्थिति में डेस्कटॉप आदर्श यानी कि आइडियल नहीं होगा। अगर मूवमेंट ज्यादा हो आपके सिस्टम का तो लैपटॉप ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लैपटॉप इजीली मूवेबल है। नोटबुक तथा लैपटॉप कंप्यूटर सामान्यतः पर्यायवाची हैं, मतलब लगभग नोटबुक और लैपटॉप दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। यद्यपि कई कंपनियां लैपटॉप के साथ अन्य फीचरों को प्रदान करती हैं तथा नोटबुक के साथ कुछ और फीचर्स देती हैं, फिर भी दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही इजीली मूवेबल हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर से भिन्न लैपटॉप में कुछ भी अलग से नहीं होता है, ऑपरेशन सारे डेस्कटॉप की ही तरह होते हैं। बस लैपटॉप अर्थात गोद में आप इन्हें रख के यूजुअली हम इन्हें यूज कर सकते हैं, इसलिए इन्हें लैपटॉप कहा जाता है और इजिली मूवेबल होते हैं। बैटरी से संचालित होते हैं, जिससे आपको अगर कभी किसी कारण से इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं भी मिलती है तो यूजुअली आप उसे बिना इलेक्ट्रिक फ्लो के भी जब तक बैटरी है तब तक यूसेज में ले सकते हैं। नीचे इस विजुअल में लैपटॉप कंप्यूटर के कुछ ग्राफिक्स को आपको दिखाया गया है। इसी के ठीक बात करते हैं पाम टॉप की। पाम का मतलब यहां पर हथेली से है। तो और भी छोटे कंप्यूटर्स यानी कि लैपटॉप से भी छोटे साइज के कंप्यूटर जिन्हें हम इजीली अपने हाथ पे रख के यूज कर सकते हैं, जिन मोबाइल्स को हम यूज में लेते हैं और यूजुअली हम उनपे भी ऑलमोस्ट कंप्यूटर्स की तरह ऑपरेशन कर सकते हैं। हम अपनी वर्ड फाइल्स को अपन एडिट कर सकते हैं, एक्सेल फाइल क्रिएट कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल बना सकते हैं, फोल्डर फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑपरेशन जो हम कंप्यूटर पे करते हैं वो यूजुअली हम इन मोबाइल्स पे भी कर सकते हैं। तो ऐसे मोबाइल्स जो हथेली में रख के हम यूजुअली हथेली में रख के ही ऑपरेट करते हैं और कंप्यूटर की तरह अगर उन्हें ऑपरेट कर सके, अगर उनमें वो सारे फीचर्स हों, तो ऐसे मशीनरीज को हम पाम टॉप कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। नीचे विजुअल में पाम टॉप कंप्यूटर के कुछ डिजाइन दिखाए गए हैं। इसके अलावा टेबलेट पीसीज, टेबलेट्स का आप ये यूसेज करा ही होगा या यूज करते हुए देखा ही होगा। ऑलमोस्ट इसमें भी विंडोज की तरह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जा सकता है, जैसे कि आप लैपटॉप और डेस्कटॉप में इंस्टॉल कर सकते हो। टैबलेट्स को बिल्कुल ऑलमोस्ट कंप्यूटर्स की तरह ही हम यूज करते हैं। साइज छोटा होने के कारण इसे कैरी करना और भी आसान होता है।
और यूजुअली इसे टैबलेट पीसी के नाम से जाना जाता है, यानी टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर। इनमें आवश्यकता के हिसाब से डिजिटल पेन का भी यूज किया जा सकता है। लैपटॉप से इनका साइज छोटा होता है, हालांकि इनके कॉन्फ़िगरेशन इतनी ज्यादा नहीं होती हैं यूजुअली जितनी लैपटॉप की होती है। इसके बाद पीडीए भी मोबाइल की ही एक कैटेगरी है। ऐसे मोबाइल्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मैनेज किए जाते हैं और यूजुअली हम सारे ऑपरेशंस उन पे कर पाते हैं जैसे हम कंप्यूटर पे करते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए हम इसमें म्यूजिक प्लेयर्स वगैरह, कैमरा, कैलकुलेटर, बहुत सारी चीजें यूज में ले पाते हैं। और क्योंकि डिजिटली ये हमारे बहुत काम में आते हैं, हम लोग इसे एज एन असिस्टेंट की तरह यूज कर सकते हैं। कई ऐप हम इंटरनेट से डाउनलोड करके हम इनसे असिस्टेंस ले सकते हैं। इन्हें यूजुअली पीडीए के नाम से भी जाना जाता है, यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। जितने भी तरह के पीसीज को हमने समझा, इन सब में सिमिलैरिटी ये है कि ये सभी कंप्यूटर की तरह ही ऑपरेट होते हैं। और हालांकि इनके कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो सकती हैं और साइज के हिसाब से बहुत अलग हैं। इनमें सबसे ज्यादा साइज डेस्कटॉप का होगा, इससे कम साइज लैपटॉप या नोटबुक का होगा, उससे भी कम साइज टैबलेट पीसी का होगा और उससे और कम साइज होगा पीडीए का, यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट का। ये सारे ही टाइप्स पीसीज के टाइप्स कहलाते हैं, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर के टाइप्स कहलाते हैं।